हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। बीते दिनों साइंस समिति वाराणसी द्वारा प्रायोजित शाह हॉस्पिटल और नेत्रालय के अनुभवी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज मोहन मौर्य, डॉक्टर आशीष जयसवाल एवं डॉक्टर अशोक कुमार के साथ यूनिटी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में समाज सेवी डॉक्टर नादिर रिजवी के सहयोग एवं नेतृत्व में सफलतापूर्वक जांच शिविर का आयोजन किया गया। निर्धारित समय से 2-3 घंटे ज्यादा समय तक मरीजों की अपेक्षा अनुसार संस्था ने जांच किया। शिविर में 250 से अधिक व्यक्तियों ने जांच कराया। निशुल्क जांच के साथ साथ आई ड्रॉप भी फ्री दिया गया। इसके अलावा चश्मा, दवाएं भी बाजार से कम मूल्यों पर उपलब्ध कराई गईं। आंखों की थकावट, रतौंधी, सिर दर्द, नाखूना, मोतियाबिंद, दृष्टि दोष जैसी बीमारियों के रोगियों के संग संग पूर्व में शिविर में कराए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन की समस्याओं का भी समाधान कराया गया। चिन्हित रोगियों को वाराणसी के उक्त अस्पतालों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पर 50% की छूट का भी आश्वासन दिया गया। इन सारी बातों से ऊपर डॉक्टर नादिर रिजवी की वो पहल दिखती है जिसकी तलाश साई समिति वाराणसी को थी। डॉक्टर नादिर रिजवी की भावनाओं की भी दाद देनी होगी कि आए दिन समाज के लिए कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका तलाश लेते हैं। आइए जानते हैं कि साई समिति से उनका कैसे संपर्क हुआ। ये आई चेकअप कैंप लगाने के संदर्भ में साई समिति वाराणसी के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आप मेरी तत्परता जानते हैं। मेरी प्राथमिकता है किसी प्रकार मानवता की भलाई हो, लोगों को सुविधा प्राप्त हो, लोगों की समस्याओं का समाधान यदि मेरे द्वारा हो जाता है, यही मेरी ख्वाहिश रहती है हमेशा। तो शायद इस चीज़ को लोग जानते हों। एक लड़का है जिसका नाम है शकील, वो जो है बेकरी चलाता है, वो वाराणसी का रहने वाला है, और वो लड़का जो है कि लेकर के कुछ लोगों को आया करीब करीब कल दोपहर 12 बजे के लगभग। और उन लोगों ने आने के बाद से मुझसे ये कहा कि क्या कहीं आप दिलवा सकते हैं कोई स्थान। तो हमने उनकी बातें जानी और जानने के बाद से हमको समझ में आया कि वो लोग इस प्रकार का जो है कि नेत्र परीक्षण शिविर आई चेकअप कैंप कराना चाहते हैं, और हमने सहर्ष इसको स्वीकार किया। और जगह दिलाने की बात नहीं, बल्कि हमने कहा कि हम खुद जो है कि अपनी जगह पर आपको देते हैं। तो ये कल दोपहर 12 बजे हमसे पहली बार हमें मालूम हुआ कि क्या है साई समिति, और उसके बाद से हमने अपना संपर्क अभियान शुरू कर दिया। और चूँकि आप जानते हैं कि हमारा स्कूल चलता है, स्कूल में वहाँ पर से बेंच और डेस्क हटा करके हमको जो है कि जगह बनानी पड़ी, कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके हमको जो है क्लिनिक का रूप और एक शिविर का रूप हमको देना था लगाने का। वैसे मैं जानता हूँ कि आप इस तरह के कार्यों में रुचि बहुत ज़्यादा लेते हैं कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप जानते हैं कि 2009 में हमने एक शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया था जिसमें 50 लोगों का मेजर सर्जरी हुई थी। ये 2009 का वाकया है। उसके बाद से जो है कि बराबर जो है कि गांव में, देहात में, यहाँ वहाँ जाकर के लोगों को जो है जागरूकता अभियान हम चलाया करते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है कि वो आप जो है कि मीडिया में दिखा सके। बराबर हमने जो है कि हाथ से साबुन से धोने का है, इसके अलावा जो है कि कृमि से जो है मुक्ति के लिए अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का हुआ, या साफ़ सफाई का हुआ, हाइजीन का हुआ, पानी का हुआ, बहुत सी समस्याओं को हम जो है गांव देहात और दूर दराज इलाकों में जाकर के, जैसे अली नगर, महुडंड और इस तरह के दूर दराज इलाकों में जाकर के लोगों को हम जागरूक करते हैं। वहाँ कैंप लगा करके अपने तरीके से लोगों को बताते हैं। इसमें कहीं से स्वास्थ्य विभाग से या और कहीं से हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। हालांकि हमको जो है कि सहयोग की और दिशा निर्देश की हमको बात हुई थी, लेकिन वो जो है आगे नहीं हो सकी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने इसीलिए बढ़ चढ़ करके इस तरह का जो है कैंप आज ऑर्गेनाइज कराया। हमने 250 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर जो है कि लाभार्थी थे, इसलिए हमने किया कि वो जो लोग आए थे वो शाह हॉस्पिटल से और जो है कि
जो काशी नेत्रालय से आए थे, वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स हैं। अगर वो जो है कि देख करके हमारी तत्परता, और यहाँ पे तो हो सकता है कि दूसरे किस्म का भी जो है, हो सकता है डायबिटीज़ का कैंप, हो सकता है कि हार्ट चेकअप कैंप और दूसरा कुछ कैंप वो लगाएं, क्योंकि उनका जो है कि प्रोत्साहित हुए हैं और काफ़ी वो खुश यहाँ से गए हैं। आदिर साहब के स्कूल के प्रांगण में आप पहली बार आए और यहाँ पे आपने कैंप का आयोजन किया उनके नेतृत्व में, कैसा लगा सर आपको? हमको यहाँ फर्स्ट मीटिंग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पेशेंट भी हमको मिल रहे हैं काफ़ी देखने के लिए, जिसमें कि किसी को लेंस पड़ा है तो सही नहीं पड़ा है ना, तो उन लोग का पेशेंट का पूरी इलाज हो रही है। किसी माता बहने जो हैं बुजुर्ग हैं, तो मोतियाबिंद हो गया है, पर उनको ये नहीं मालूम है कि ऑपरेट अभी करवाएं कि बाद में करवाएं, ये सब सलाह दिया जा रहा है। पेशेंट तो काफ़ी तादाद में देखा जा रहा है, और कोशिश ये रहेगा कि इन लोग का पूरी हम लोग इलाज करके यहाँ से जाएँ, पूरे टाउन का चपला का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग शाह अस्पताल वाराणसी से, राम कटोरा वाराणसी। अच्छा रिस्पांस लगा इनके और अच्छा लगा जी जी, अच्छा लगा नेतृत्व में काम करने का जी, और लोगों से जो सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। वगैरह कैसे, पहली बार इतना अपेक्षा की आपने कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा यहाँ पे? अपेक्षा तो सर हुआ था कि वहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास तो अच्छे पेशेंट आएंगे, ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, और वहाँ ऐसा देखने को मिला भी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जी। मौके पर रामेश्वर राम उर्फ छठन, एडवोकेट आलोक कुमार, डॉक्टर खान, मौलाना मुस्वी रजा, मौलाना रियाजुद्दीन, फिरोज हुसैन, इकबाल हुसैन, बीआरसी सनी कुमार, सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक श्री कामाख्या पाठक, बृहस्पत सिंह, राम पुकार सिंह, योगेंद्र प्रसाद, गजम्फर हुसैन, शब्बीर हुसैन, विक्टर हुसैन, डॉक्टर सरफुद्दीन, बाकर हुसैन, देवेंद्र नाथ गुप्ता, सीमा देवी, रविंदर सिंह, बब्बन सिंह, नज़ीर हुसैन, ग़ुलाम मोहम्मद अमीन अली खां। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए और कराते रहेंगे हम आपको हकीकत से रूबरू, आरबीसी चैनल पर।